न्यूज इस समय की बेहद बड़ी खबर जो कि उत्तर प्रदेश से आ रही है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं सहारनपुर। हमारे सहारनपुर के संवाददाता हेमंत अरोरा ने एसडीएम से कुछ खास बातचीत की, चलिए सुनते हैं क्या कहा। आज पब्लिक एशिया की टीम देवबंद में एसडीएम ऑफिस में कवरेज के लिए आई है। हम लोग यहाँ पर भी जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो 21 दिन का लॉकडाउन लगा हुआ है, राष्ट्रहित और देशहित में जनता पूर्णतः पालन कर रही है, तो हमारे जो शासन प्रशासन है किस तरीके से इसको जनता को पूर्णतः सहयोग देने के लिए इसको कैसे और मजबूत बना रहे हैं। हमारे बीच में है देवेंद्र कुमार पांडे जी, नई ज्वाइनिंग है और मेरे ख्याल से मैं जब आपसे मुलाकात कराऊंगा तो मुझे लगता है कि यंग ब्लड है और जिस अवस्था में हमारे यहाँ आए हैं जिस लॉकडाउन में, तो बहुत अच्छा ही कार्य करेंगे। मैं जानना चाहूँगा सर कि सरकार की तरफ से क्या योजनाएं चल रही हैं, जैसे जो 21 दिन का लॉकडाउन रहा है उसमें जो जनता को जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं आने की जाने की और ये खाने की, जैसे सुबह 6 से 9 चल रहा है खुलने का समय, उसमें आगे की क्या प्लानिंग है कि आगे इन चीज़ों को और क्या लिया जाए, क्योंकि 21 दिन तक मुझे भी लगता है कि थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। देखिए, जो सरकार की स्कीम्स है अपनी जनता के हित में जी, तो एक तो जो हमारे राशन कार्ड धारक हैं, चाहे वो अंत्योदय के हैं चाहे मनरेगा के जॉब कार्ड धारक हैं जी, इनको सरकार 1 महीने का राशन निःशुल्क देगी जी। साथ में अभी मार्च का महीना चल रहा है, इसका खाद्यान्न बटा था 20 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में सबका खाद्यान्न बट गया है जी। अगले महीने का जो राशन निःशुल्क मिलना है वो 1 तारीख से 5-6 तारीख के मध्य में बांट दिया जाएगा जी। तो किसी को भी खाने पीने की परेशानी नहीं होने दी जाएगी जी। इसके अलावा जो किसी भी सरकारी योजना से कवर नहीं होते हैं, ऐसे बहुत सारे गरीब परिवार गाँव में हैं जी, जो वृद्ध हैं, निराश्रित हैं, असहाय हैं, कुछ के राशन कार्ड भी नहीं बने हुए जी जी, उनके राशन कार्ड भी नहीं है, मजदूरी बेचारे कर रहे हैं, पंजीकृत श्रमिक भी नहीं है जी। तो उनके लिए सरकार की स्कीम 1,000 रुपया उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने की है जी। इसके लिए सर्वे कार्य जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है उसमें विकास विभाग के माध्यम से वीडियो साहब करा रहे हैं जी। जो शहरी क्षेत्र है उसमें नगर पालिका के माध्यम से वो हो रहा है और 3 दिनों में अधिकतम 28 तारीख तक ये लिस्टें हम सर्वे करके भेज देंगे और इनके खातों में पैसा इस महीने के आखिर तक या अगले महीने की शुरुआत तक पहुंच जाएगा जी। इसके अलावा जो पंजीकृत श्रमिक हैं जी, जो विभिन्न नरेगा वगैरह में जो हाँ योजनाओं में हैं या जो ईंट भट्टा में काम करते हैं या कहीं भी छोटे मोटे अपने रोजगार करके जीवन यापन कर रहे हैं जी, उनके लिए श्रम विभाग जी उनके खाते में पैसा भेज रहा है। तो श्रम विभाग के पास पंजीकृत है, उनका डिटेल बैंक अकाउंट वगैरह श्रम विभाग के पास है, वो भी दे रहा है। तो इस प्रकार से जो हमारे निचले तबके के लोग हैं समाज के, उन तक सरकार का विशेष ध्यान है कि लॉकडाउन के पीरियड में उनको कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि संपन्न आदमी के पास थोड़ा बहुत राशन तो रहता ही रहता है। सबसे ज्यादा परेशानी इसी वर्ग को है। इसके अलावा भी जो निजी संगठन है जी, जो संभ्रांत क्षेत्र के नागरिक हैं जिनकी भावना रहती है मदद करने की जी, तो उनसे हम लोग संपर्क कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ तैयब ट्रस्ट है जी, और एक दो जो निजी स्तर से अपने लोग करना चाहते हैं, मोहम्मद आरिफ हैं जी, मोहम्मद अनवर साहब हैं जी, तो इन लोगों ने हमसे संपर्क किया कि हम साहब समाज में अपना योगदान देना चाहते हैं जी। कुछ लोग पका हुआ भोजन के रूप में देना चाहते हैं, कुछ लोग राशन के पैकेट बना के देना चाहते हैं जी। तो वो निरंतर संपर्क कर रहे हैं और उनका सहयोग लेके हम जो भी हैं समाज के गरीब तबके के लोग 15-20 दिन का राशन उनको दे रहे हैं। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा एसडीएम साहब कि जो हमारे प्रॉपर देवबंद क्षेत्र में जहाँ तक भी आपका क्षेत्र फैला हुआ है, जितनी भी ड्यूटीज आप, मेरे ख्याल से डे नाइट की ड्यूटी चल रही है, कभी कहीं से कोई खबर आ जाती है कभी कहीं से, क्या कोरोना वायरस से संक्रमित कोई भी एक व्यक्ति दुक्का कोई मिले हैं या कुछ इस तरह का इवेंट्स हुआ है? अभी तक हमारे पास लगभग पूरे तहसील क्षेत्र में 400 लोगों की सूचना है कि ये अपने राज्य से बाहर से आए हुए हैं, देवबंद से बाहर से आए हैं, जिनमें से कुछ लोग लगभग 100 के करीब विदेश यात्रा करके आए हैं जी, पिछले फरवरी महीने में और मार्च महीने में जी। तो इनमें से प्रत्येक विभाग के पास हमने मेडिकल विभाग की टीम भेजी है जी, उन्होंने इनके प्रारंभिक लक्षणों की जाँच की है जी, और सौभाग्यवश अभी किसी में भी कोई कोरोना के संदिग्ध होने का प्रमाण नहीं मिला। जो भी 4-6 लोग ऐसे संदेह के घेरे में आए थे उनका सैंपल हमने जिला चिकित्सालय के माध्यम से कलेक्ट करवा के भेजा और अभी तक वो निगेटिव, यानी कि कोई भी किसी तरह का कोई पॉजिटिव केस नहीं आ पाया है। डीएम साहब, मैं जानना चाहूंगा कि अभी ये जो इस तरह का चल रहा है 21 दिन का जो लॉकडाउन है,
हम लोग तो मीडिया से हैं, हम लोग मेरे ख्याल से हम लोग डोर टू डोर गांव-गांव भी हम लोग घूमे हैं, लेकिन कुछ गांव में मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आपके थ्रू ये चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, निवेदन करूँगा कि कुछ गांव में जो जनप्रतिनिधि हैं, जैसे प्रधान हैं या प्रधान मेंबर हैं, पार्षद हैं, सभासद हैं, ग्राम पंचायत हैं, हम लोगों ने वहाँ एक बहुत ही कमी देखी है। वो लोग अपने स्तर पर एक जो जागरूकता है, इलेक्शन में अगर उनकी जागरूकता हो तो वो दिखाते हैं, वो कैसे भी करके जो भी आपका वोट देने आता है उसको लुभानवे कुछ भी चीज़ें जाती हैं, आप आपको पता है। तो एक मेरी ये निवेदन है कि इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, या कोई सूचना इन तक जाए, कोई भी गाइडलाइन जाए कि ये लोग आम जनता में जागरूकता पैदा करें, इसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। इसके लिए आज ही दोनों ब्लॉक के बी डी ओ साहबान की मैंने मीटिंग बुलाई थी जी। और उनके साथ उनके अधीनस्थ ए डी ओ लोग भी थे जी। और इस पर गहन मंथन हम लोगों ने किया जी। कि ग्राम स्तर पर भी पर्याप्त साफ सफाई होनी चाहिए जी। और सैनिटाइजेशन का काम जो है वो भी कराना चाहिए जी। तो मीटिंग में यही तय हुआ कि आज से प्रारंभ करके कल तक लगभग सभी गांवों में सैनिटाइजेशन का काम पूरा कर लिया जाएगा जी। जो बड़े बड़े गांव हैं तो हो सकता है उसमें परसों तक हो जाए जी। लेकिन 100% गाँव में सैनिटाइजेशन होगा और ये 4-6 दिनों में रिपीट होता रहेगा। बीच बीच में जहाँ भी किसी को शिकायत है तो वो तत्काल सूचित करें और सैनिटाइजेशन का काम युद्ध स्तर पर हम कराएंगे। एसडीएम साहब, लास्ट पूछना चाहूँगा कि क्या संदेश है आपका, 21 दिन के लॉकडाउन में जनता समर्थन दे रही है, बहुत सी जनता से हमारी बात हुई है, वो पैकेज भी दे रहे हैं खाने पीने का, और जितना उनसे हो सकता है अपने अड़ोस पड़ोस में भी वो ध्यान कर रहे हैं, कहीं मास्क वितरण भी हुआ है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि 21 दिन में कितने संयम से जनता काम करे? देखिए, मनुष्य के जो मानवीयता के लक्षण हैं उनकी पहचान इस तरीके की आपात परिस्थितियों में ही होती है जी। संकट की घड़ी में ही होती है, जैसा कि आप कह रहे हैं बहुत सारे लोग सामने निकल के आ रहे हैं सहयोग करने के लिए जी। तो पहली बात जो सरकार की तरफ से ये है अपील जी। कि सारे नागरिक जो सामाजिक दूरी है जी। उसका पालन करें, पालन। अर्थात वैसे भी इसमें तालाबंदी है 21 दिनों तक, तो अपने घरों के भीतर ही रखें रहें जी। जो सामग्री है राशन की, दवाओं की, वो सब आपूर्ति उनकी निरंतर की जा रही है जी। और आज से कल तक में हम उनको गली गली में घरों तक सामान पहुंचाएंगे जी। तो उनको अपने घर से बाहर निकल के कहीं मार्केट में या मंडी में जाने की आवश्यकता नहीं है जी। साथ में अगर जो लोग बाहर से आए हुए हैं जी, तो वो पहले जिला अस्पताल में सूचना देंगे, चेकअप कराएंगे जी। और उसके बाद भी 14-20 दिनों तक अपने घर में एकांतवास करेंगे, अलग कमरे में रहेंगे, खाना पीना जी, और उनके कपड़े सब अलग रहेंगे जी। है ना, वो परिवार के बाकी सदस्यों के साथ उनका मेल मिलाप नहीं होगा, तभी हम कोरोना से बचाव कर पाएंगे जी। और इसका अभी तक चूंकि कोई इलाज नहीं है जी, तो जो सामाजिक दूरी है या बचाव, ये परहेज ही, तो यही हमारी अपील है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि खाद्यान्न पर, राशन ले जाने आने पर जी, या कोई गंभीर रूप से पीड़ित है, मेडिकल रिलेटेड मामले हैं, किसी को दवा लानी ले जानी है, तो इस पर कोई रोक टोक नहीं है, न किसी पास की ज़रूरत है, वो जाने आने के लिए स्वतंत्र है जी। तो अभी हमने एसडीएम साहब से बात की है, हमें पता लगा है, मैं ये मानता हूँ एसडीएम साहब को बहुत ही साधुवाद देता हूँ कि मात्र नई ज्वाइनिंग है, मेरे ख्याल से आज लगभग 6 दिन हुए हैं, लेकिन उनका जो एक बहुत गुण अच्छा, एक अच्छे सारथी की तरह उन्होंने आसपास की जो न्यूज़ जो सूचनाएं हम लोगों को दी हैं, बहुत ही मैं गर्व कर रहा हूँ। हमारे क्षेत्र के देवेंद्र कुमार पांडे जी हमारे यहाँ एसडीएम साहब बनकर आए हैं, और इनका जो होमवर्क है बहुत ही कम समय में मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत अच्छा इन्होंने मैसेज दिया है कि कैसे हमने जनता कर्फ्यू और 21 दिन के लॉकडाउन को समर्थन करना है और राष्ट्रहित और देशहित के लिए 21 दिन अपने घर रहना है। वहीं दूसरी तरफ हमारे नांगल के संपादक ने कुछ लोगों और पुलिस प्रशासन से बात की, क्या बातचीत की, चलिए सुनते हैं। और मैं हेमंत अरोड़ा पब्लिक एशिया से, आज हम नागल के मेन क्षेत्र में है, ये नागल बस स्टैंड है, हाईवे है, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार सुनसान है और पुलिस टीम अपनी पूरी मुस्तैदी से कार्य करते हुए, ये देखिए एक गाड़ी रोकी गई है, हम पता करने चाहेंगे गाड़ी में ये लोग कहां से आ रहे हैं, और मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दिखाएंगे, और ये यहां पर पता करते हैं कहां से आ रहे हैं आप लोग, कहां से आ रहे हैं? इधर आ रहे हैं, आपको पता नहीं है कोरोना वायरस के चलते हुए मास्क और ये जो दूरियां हैं ये बना के रखनी है, आप इन चीजों को तोड़ रहे हैं? नहीं सर, नहीं तो आप तो ऐसे जो शासन प्रशासन ने इतना सारा सिस्टम चलाया आप उसको फेल कर पा रहे हैं, और मैं कहां से आ रहे हैं आप, क्या नाम है आपका?
कहाँ से आ रहे हैं, क्या नाम है आपका? तो ये सवारी आप बिठा कर क्यों लाए, आपको पता है कि नहीं बिठाना है? तो पैसे, कुछ पैसे वैसे का था कि पैसे ज्यादा देंगे? फिर ऐसा क्यों, क्यों नियम तोड़ रहे हैं आप लोग? आप लोग जागरूक नहीं होंगे तो ये दिक्कत बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। और आप देख सकते हैं कि पुलिस टीम पूरी मुस्तैदी से है, और ये गाड़ी का शायद अब चालान कटेगा, और ये साइड में लगा दी गई है गाड़ी। गाड़ी का नंबर दिखाएंगे पीछे क्या है, गाड़ी का नंबर है UP15PF6707। आप देख सकते हैं हमारे साथ हैं हैरी जॉनसन जी, जो हमारे यहाँ के SSI हैं, और इन लोगों ने ये गाड़ी रोक दी है, और इसका शायद इसका चालान भी होगा। और मैं जानना चाहूँगा SSI साहब से कि सुबह से आपका जो हमारे यहाँ लॉकडाउन चला हुआ था, उसमें जो सुबह के भीड़ बड़ी अनियंत्रित हो गई थी, क्या उस भीड़ को नियंत्रित किया गया है? देखिए, ये भीड़ को नियंत्रित किया गया, लेकिन मेरी आपके माध्यम से एक अपील है सभी से, और इसे चाहे आदेश मानिए चाहे अपील मानिए। माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि एक साथ जमा ना हो, सभी लोग एक साथ जमा ना हो, लेकिन आए दिन जो आप प्राय देखने में मिल रहा है, सुबह लोग 6 से 9 तक आ रहे हैं, उन्हें छूट मिल रही है, लेकिन कोई भी व्यक्ति, ज़्यादातर देखने में मिल रहा है 70% लोग जो हैं मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ये जो हम लोग इतने घंटे 19 घंटे 20 घंटे हम लोग घर में रह रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का रहने का, क्योंकि वायरस फैलने का खतरा उतना ही बढ़ जाता है जितना लोग नज़दीक आते हैं। तो मेरी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अपील है कि इन लोगों को जागरूक किया जाए और सख्त इस पर कार्रवाई की जाए कि जो लोग बिना मास्क लगाए आ रहे हैं मार्केट में, उन्हें सामान ना दिया जाए। कुछ ऐसा आपके माध्यम से अगर पब्लिक में ये बात जाएगी तो कुछ लोग इस पर अमल भी करेंगे। तो आप देख सकते हैं जॉनसन कुमार जी ने अपील की है आम जनता से कि जो सुबह 6 से 9 बजे तक जो भी जनता अगर मार्केट में आ रही है, देहात में आ रही है, तो वो कृपया करके मास्क का उपयोग करें, तथा दुकानदार भी उन्हीं लोगों को सामान दे जो मास्क का उपयोग कर रहे हैं। धन्यवाद। वहीं बुलंदशहर में हमारे संवाददाता खानपुर के लड़ाना ग्राम के प्रधान रवि शर्मा से बातचीत की। क्या कहा प्रधान जी ने, देखते हैं। ग्राम लड़ाना प्रधान प्रतिनिधि। प्रधान जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि जो इस कोरोना वायरस को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 21 दिन का लॉकडाउन किया है, उसमें ग्रामीण लोग सब अपने घर में अपनी स्वेच्छानुसार हैं, या फिर उन्हें किसी प्रशासनिक द्वारा या पुलिस द्वारा उनको दबाव किया जा रहा है? ज्यादातर लोग तो अपनी स्वेच्छा से ही घर में अंदर हैं जी, लेकिन कुछ लड़के हैं, कुछ बच्चे हैं जो कम उम्र के हैं, उनके लिए प्रशासनिक दबाव भी दिया जा रहा है। हम भी बोल रहे हैं गांव में जा करके, कोई भी बाहर ना निकले। अच्छा, और वैसे प्रधान जी, गांव में कोई कोरोना से पीड़ित है, इस तरीके की कोई आपके नॉलेज में आप बात आई है? नहीं, हमारे गांव में कोई नहीं है कोरोना से पीड़ित। ऐसा कोई पीड़ित नहीं है? नहीं है। अच्छा, वैसे अगर किसी तरीके की समस्या है तो पुलिस द्वारा या प्रशासन द्वारा मदद की जा रही है? हाँ, मदद की जा रही है। ठीक। साथ ही उन्होंने एक किसान से भी बात की, वो भी देखिए। क्या नाम है आपका? राजपाल गिरी। तो राजपाल जी, जैसे कि आप जानते ही हैं कि कोरोना एक महामारी चल रही है जी, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 21 दिन के लिए लॉकडाउन किया है जी, इससे किसान लोगों के लिए क्या क्या नुकसान है? एक तो पहली बारिश पड़ गई, गेहूं सारे गिर गए हैं जी, और जैसे कि अब पानी की आवश्यकता, तो लोग डर की वजह से खेतों पर ना जा पा रहे, और जैसे अब आवारा पशु हैं, ये गाय बथवा वगैरह ये खेतों में नुकसान कर रहे हैं, हम लोग डर की वजह से खेत भी ना देख पा रहे हैं। अच्छा, तो अब रुख लेते हैं अलीगढ़ की ओर। अलीगढ़ के सड़कों पे चल रहे लोगों को ग्लव्स और सैनिटाइजर दिया गया, देखिए ये नजारा। आ गया, जो भैया, और अपने में थोड़ी थोड़ी दूरी बना के रखो, साथ साथ मचलो, थोड़ी दूर दूर चलो, अलग अलग चलो भाई, आगे पीछे चार तरफ मल लो। अपने बंद हुआ था अपने कमरे में। कहाँ? अपने नोएडा कमरे में। नोएडा कमरे में? तो कहाँ नोएडा में, कहाँ काम करते हो? मैं कासना में। हाँ, कासना में। कासना? अच्छा, कासना में। किस फैक्ट्री में काई की है? ये वहाँ पर मोबाइल के चार्जर बनाती है। मोबाइल के चार्जर? तो आप वहाँ नोएडा से पैदल और कुछ वाहनों का सहयोग लेके आ रहे हैं, अभी हाथरस जाना आपको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक है। विवेक? विवेक, विवेक। तो हाथरस में कहाँ रहने वाले हो? मैं हाथरस से आगे गाँव पड़ता मेरा। अच्छा अच्छा जी। मैं विष्णु आवंटी, संस्थापक अध्यक्ष मानव का संस्था, अपनी पूरी टीम के साथ जो लॉकडाउन पूरे देश में हुआ उसी के तहत अलीगढ़ भी अछूता नहीं रहा है। यहाँ तमाम ऐसे बेसहारा बेघर लोग हैं जो कि रोज कमाने खाने वाले, जिनके समक्ष
पानी की समस्या उत्पन्न होगी, उसको देखते हुए हमारी पूरी टीम जो है सजग है और उनके लिए दोनों समय भोजन उपलब्ध करा रही है, जिससे कि कोई भूखा ना रह सके, हर एक किसी का पेट भर सके। इसके लिए सड़कों पर हम लोग या रैन बसेरे में जो लोग रह रहे हैं उनको हम दोनों समय भोजन उपलब्ध करा रहे हैं, और इसके साथ साथ तमाम ऐसे राहगीर हैं जो कि अपने स्थान से दूसरे स्थान को जा रहे हैं, अपने स्थान को जा रहे हैं, उनको भी भोजन की समस्या, उनको भी भोजन उत्पन्न करा रहे हैं। ये कब तक आपकी ये व्यवस्था रहेगी जारी? ये जब तक ये समस्या है हमारा कोरोना वायरस के कारण जो जब तक लॉकडाउन चल रहा है या जो भी है, जब तक ये दूर नहीं हो जाता तब तक हमारी टीम पूरी इस काम में लगी रही। आपका क्या नाम है? राम प्रकाश सूर्यवंशी। किसी संस्था में कार्य करते हैं आप? हाँ, मानवाधिकार संस्था में जुड़े हुए हैं, 10 साल से कार्य कर रहे हैं। तो संस्था ये किस प्रकार का कार्य कर रही है? ये मानवाधिकार संस्था जो है मतलब लावार सबों को दासिंगा करती है और जो घायल हो जाते हैं एक्सीडेंट में उनके लिए मेडिकल में उपचार कराती है। अभी जो लॉकबंदी चल रही है इसमें आप लोग क्या तरह का कार्य कर रहे हैं? इस विषम परिस्थिति में मानवाधिकार संस्था हमारी जो यहाँ पर दूर दूर से आए हुए बेचारे जो के लावार से अपने घर नहीं पहुँच सकते उनके लिए भोजन की व्यवस्था करा रही है। और मेरे जो हम ये नगर मुन्ना लाल जी, आप कहाँ से आ रहे हैं? अभी हरिद्वार से आ रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं? हम भोपाल जा रहे हैं। तो भोपाल जाने के लिए आप हरिद्वार से आए, तो हरिद्वार से यहाँ तक किस तरह से आए? से 200 किलोमीटर हमने पैदल चला है और उसके बाद 100 किलोमीटर का हमको किसी ट्रैक्टर ट्रॉली वाले और इन लोगों ने हमको मदद करी कि बिठा बिठा के थोड़ी थोड़ी दूर तक चढ़ा। और बुलंदशहर से एक प्राइवेट बस चल रही थी, उन्होंने हमसे यहाँ पर हमको यहाँ पर छोड़ा, अलीगढ़ तक उन्होंने 150 रुपये लेके हमको यहाँ पर छोड़ा। रास्ते में किसी तरह की असुविधा रही हो, भोजन वगैरह की क्या व्यवस्था रही है? भोजन की तो कोई व्यवस्था नहीं है। बागपत के सरूरपुर गाँव में एक केस पॉजिटिव मिलने पर जिला अधिकारी बागपत शकुंतला गौतम ने घरों से बाहर ना निकलने की अपील की। बिल्कुल बाहर ना निकलें, क्योंकि कोरोना पेशेंट का जो मरीज पॉजिटिव पाया गया है वो यहाँ कई लोगों से अपने घर वालों से मिला है और अड़ोस पड़ोस में मिला है, तो वो लोग भी घर से बाहर ना निकले, अपने घरों में रहें। आपसे बार बार अपील है माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे अपील कर रहे हैं, आप लोग सभी टेलीविजन में देख रहे होंगे, आपसे पूरी अपील कर रहे हैं। मैं जिला मजिस्ट्रेट शकुंतला गौतम बोल रही हूँ, मेरी पूरी टीम एसपी साहब, एडीएम, एडिशनल एसपी, सीएमओ, एसडीएम, सीओ सभी पूरी टीम है, यहाँ डॉक्टर्स की टीम है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग बाहर ना निकलें। आपके गाँव में एक कोरोना पेशेंट पॉजिटिव पाया गया, इसलिए अनुरोध है कि आप लोग अपने घरों में रहें। आपके गाँव को अभी भी संक्रमित किया जा रहा है, यहाँ छिड़काव और विसंक्रमण की कार्रवाई की जाएगी, तो आप लोग बाहर ना निकले, मेरा बार बार आपसे अपील है, अनुरोध है, कोई बाहर ना जाए, गांव से बाहर ना निकलिए, गांव से बाहर नहीं निकलिए, क्यों निकल रहा है भाई, गांव से बाहर नहीं निकलिए। ताज़ा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, नीचे दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।